हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लूरिपोटेंट। चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे, तो आई होप कि आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो अगर नोट्स नहीं बना रहे तो यार नोट्स बना लो, ठीक है, उससे बहुत आसान रहेगा पढ़ना। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। इसके अलावा हमने उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस भी देख लिया था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिग्मा पाई में डिफरेंस, वो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको याद रखना आप। तो देखो, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, तो उसमें होता क्या है कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और ड्रॉबैक्स क्या है वो हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं उसे। तो जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, बेसिकली हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, इट इज एक्सेप्शन ऑफ वीबीटी। तो जो एक्सेप्शन ऑफ वीबीटी है, आया कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो वीबीटी में दिक्कत थी वो क्या थी। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स विद वीबीटी। प्रॉब्लम्स विद वीबीटी, देखो तो जो वीबीटी है वो कहती थी कि ओनली दोज ऑर्बिटल कैन फॉर्म बॉन्ड विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं, सिर्फ वही बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो लाइक मैं कार्बन का एग्जांपल लेता हूं, नंबर 6 होता है कार्बन का। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन भरूं, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। एस में इसके दो इलेक्ट्रॉन है 2s में, और 2p की बात करें तो 2p में भी इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 2p, दो इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखो, तो अगर मैं वीबीटी की बात मानूं, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो कार्बन है उसे कितने बॉन्ड फॉर्म करने चाहिए, उसे दो ही बॉन्ड फॉर्म करने चाहिए, क्योंकि उसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दो, 1 एंड 2। मगर हमें पता है कार्बन जो होता है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ठीक है, तो कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। मगर अगर मैं वीबीटी की मान के चलूं, तो उसके अकॉर्डिंग तो कार्बन को दो ही बॉन्ड फॉर्म करने चाहिए, मगर कार्बन तो चार बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहां पर जो वीबीटी है वो गलत हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बेरिलियम का एग्जांपल लेते हैं, तो बेरिलियम का नंबर कितना होता है, 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 एंड 2s2, 2p इसका खाली होता है, इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, और 2p क्या है इसका, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो बेरिलियम में तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मगर बेरिलियम कैन फॉर्म कंपाउंड्स लाइक BeCl2, ठीक है, या BeF2, और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं बेरिलियम के। तो यहां पर ये बेरिलियम जो है इसके कंपाउंड बन रहे हैं, मगर वीबीटी की बात माने तो वीबीटी के अकॉर्डिंग तो जो बेरिलियम है उसको कंपाउंड फॉर्म करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पास दो तो पूरे के पूरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, भरे हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा कार्बन को सिर्फ दो बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि कार्बन जो है उसके पास सिर्फ दो ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मगर यहां पर ऐसा होता नहीं है। जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होता है, इसके अलावा जो बेरिलियम है वो भी कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो इसका जो सोल्यूशन आया वो आया विद द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट रिलीज किया गया, उसमें क्या हुआ कि वीबीटी में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, और वो चेंज क्या था वो हम पढ़ने वाले हैं अंदर टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिड का मीनिंग पता है आपको, हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। जैसे बाजार में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, क्या हाइब्रिड होती हैं, जैसे टमाटर आते हैं, एक होता है देसी टमाटर, एक होता है हाइब्रिड टमाटर। हाइब्रिड मतलब क्या, जिसके पास बहुत सारे फीचर्स हों, मिक्स होकर बना हुआ हो। इसके अलावा जो एनिमल्स की वैरायटी होती है, लाइक जो जर्सी काउ होती है वो भी एक हाइब्रिड है, बिटवीन द इंडियन ब्रीड एंड द फॉरेनर ब्रीड। तो हाइब्रिड मीन्स होता है मिक्सचर। तो यहां पर केमिस्ट्री में इसका क्या कंसेप्ट आया, तो देखो यहां पर होता क्या है कि जो ये वाला 2s है और ये 2p, तो s की एनर्जी अलग होती है और p की एनर्जी अलग होती है। मगर क्या हो जब s और p दोनों एक एनर्जी लेवल पे आ जाएं, तो ये जो एनर्जी लेवल पे लाने का काम है ये हम करते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। सो हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। इसमें होता क्या है, जैसे कार्बन वाला एग्जांपल देखा था हमने, तो कार्बन में जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, 1s2, 2s2 एंड 2p2। एस में दो इलेक्ट्रॉन थे, इसके अलावा जो p ऑर्बिटल था उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन थे, दिस इज 2s, दिस इज 2p। जो 2s है उसकी एनर्जी अलग है, जो 2p है उसकी एनर्जी अलग है। मगर होता क्या है कि जब बॉन्ड फॉर्म करना होता है तो 2s क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट पे है, तो 2s क्या करेगा, अपनी थोड़ी सी एनर्जी जो है वो किसको दे देगा, 2p को दे देगा। तो 2s की एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम, और 2p की एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अगर एक की कम और एक की बढ़ जा रही है, तो दोनों फाइनली कहां पर आ जाएंगे, एक सेम एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे, बिकम टू सेम एनर्जी लेवल। और जितने भी यहां पर ऑर्बिटल होंगे वो सारे के सारे जो ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे हो जाएंगे। तो यहां पर देखो कैसे होगा, जो 2s है और 2p है, इन ऑर्बिटल्स की क्या होगी, आपस में
इंटरमिक्सिंग होगी, अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए। लाइक इसकी एग्जांपल हम जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है कि जैसे हमारे पास यहां पर 2s है और ये 2p है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास यहां पर होता क्या है, जैसे हमारे पास ये 2s है और ये 2p है, 2s की एनर्जी अलग होती है, 2p की एनर्जी अलग होती है, मगर इन ऑर्बिटल की क्या होगी, इन ऑर्बिटल की होगी इंटरमिक्सिंग। जब इंटरमिक्सिंग होगी तो क्या हो जाएगा, सारी एनर्जी मिक्स हो जाएंगी, इसकी एनर्जी इसमें चली जाएगी क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे 2s की एनर्जी ज्यादा है, तो 2s की एनर्जी ज्यादा है तो कहां चली जाएगी, 2p के पास चली जाएगी, तो 2s की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी और 2p की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और दोनों मिलजुल के कहां पर जाएंगे, दोनों मिलजुल के एक सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो इनकी क्या हुई, एनर्जीज जो थी वो इंटरचेंज हो गई, थोड़ी सी इंटरमिक्स हो गई, और इंटरमिक्स होने के बाद क्या बना, न्यू ऑर्बिटल बने, न्यू ऑर्बिटल्स बने, और जो न्यू ऑर्बिटल बने उन सभी की जो एनर्जी है, एनर्जीज आर सेम फॉर द न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल, फॉर द न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल, जो भी नए नए ऑर्बिटल बने उन सबकी एनर्जी क्या है, सेम, पहले क्या था जो ऑर्बिटल थे उन सबकी एनर्जी अलग अलग थी, मगर जब उनमें इंटरमिक्सिंग हुई और उन्होंने क्या किया, आपस में अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो जब अपनी एनर्जी को उन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो उनकी एनर्जीज क्या हुई, सेम सेम लेवल पे आ गई, तो जितने भी नए ऑर्बिटल बने उनकी सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जैसे कि इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन में क्या बोला था, इट इज डिफाइंड एज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी थोड़ी सी एनर्जी में डिफरेंस हो टू फॉर्म ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, वो क्या कर लेंगे, मिक्स होकर बना लेंगे ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, इट इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई प्रैक्टिकल देखा गया, एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, जो कि वीबीटी थी उसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स थे वो प्रॉपरली या जो कंपाउंड्स थे प्रॉपरली बन नहीं पा रहे थे, जिसमें ड्रॉबैक आ जा रहे थे, इसलिए हमने एक कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया हाइब्रिडाइजेशन का, जहां पर कि क्या किया गया, एनर्जीज को इक्वलाइज करके और एक हमने कांसेप्ट बना दिया कि हाँ एनर्जी इक्वल हो जाती है उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स है दे कैन फॉर्म इजिली, ठीक है, तो ये इसका कांसेप्ट था, ठीक है, सिंपल सा है लॉजिक। देखो इसमें एक बात ध्यान क्या रखनी है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग, कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, कि कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरे पास 2s है और ये 2p है, तो s में एक ऑर्बिटल होता है और p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, इन दोनों की क्या हुई थी, इंटरमिक्सिंग हुई थी, और इंटरमिक्सिंग करके इन्होंने बनाए थे ऑर्बिटल, तो देखो टोटल कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, टोटल फोर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। और क्यों बनेंगे टोटल फोर, क्योंकि एक s का था और तीन p के थे, तो टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे, टोटल चार पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल थे, तो जितने पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल होते हैं उतने ही क्या बन जाते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही बनेंगे हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। देखो जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट था उसने क्या किया, कार्बन के जो चार बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस था, जो कार्बन चार बॉन्ड बनाता था उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया, वीबीटी कार्बन के चार बॉन्ड और जैसे बेरिलियम के दो बॉन्ड उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो हाइब्रिडाइजेशन ने इस कंसेप्ट को या ये जो ड्रॉबैक था इसको कैसे रिमूव किया उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। लाइक कार्बन जो है वो हमारे पास 1s2, 2s2 और 2p2 ऐसा होता है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, और जो p ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडाइजेशन ने कहा कि यह होती है कार्बन की ग्राउंड स्टेट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, मीन्स कार्बन अगर अकेला है तो ऐसा है, मगर अगर कार्बन के पास कोई एलिमेंट आता है, लाइक सपोज करो मुझे CCl4 बनाना है, तो कार्बन अकेला था पहले, बाद में उसके पास कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, तो जैसे ही कार्बन के पास क्लोरीन आएगा देखो वैसे क्या होगा, तो हम देखते हैं अब उसकी एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर दो स्टेट के बारे में हाइब्रिडाइजेशन हमें बताता है, फर्स्ट इज द ग्राउंड स्टेट, सेकंड इज द एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 2s, दिस इज 2p। एक्साइटेड में क्या होता है कि जो s वाले इलेक्ट्रॉन है ये उसके कहां चला जाता है, ये p वाले जो खाली पड़ा हुआ था ऑर्बिटल उसमें चला जाता है, और क्यों चला जाता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि एनर्जी सेम हो गई है, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, अपनी एनर्जी को इंट्रीमिक्स कर लिया है, तो जब एनर्जी को इंट्रीमिक्स कर लिया है तो 2s और 2p की एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई है, तो जब एनर्जी सेम हो गई है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से कहीं भी मूव कर सकता है, तो जो 2 वाला इलेक्ट्रॉन है वो उठ के कहां चला जाता है, 2p में चला जाता है, और जब 2p में चला जाएगा तो फाइनली क्या होगा,
2s में एक इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा जो 2p है 2p में भी क्या हो जाएगा, सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद होगा क्या कि अब सभी के पास क्या सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब वीबीटी का हम वो कंसेप्ट याद करते हैं कि जहां पर वीबीटी कहती है कि ओनली दोस ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग विच हैज ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पर 2s के पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 2p के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब दे कैन इजिली फॉर्म बॉन्ड जैसे वीबीटी कहती है, हमने बस हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया उसमें। अब क्लोरीन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एस में देगा और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन अपने देगा। तो यहां पर कौन आया, क्लोरीन, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो क्लोरीन ने देखो क्या किया, एस का एक ऑर्बिटल यूज किया और पी के कितने यूज किए, 3 ऑर्बिटल यूज किए। तो जो CCl4 बना, CCl4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3, एक ऐसा यूज हुआ और 3 पी के यूज हुए, ठीक है। यहां से कार्बन की जो प्रॉब्लम थी कि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा था वीबीटी के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन का उसमें कंसेप्ट डाल के हमने उसको सॉल्व कर दिया। बेरिलियम में भी ऐसी होता है, देखो बेरिलियम में 1s2 और 2s2 ये था, और इसका 2p क्या था, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो होगा क्या यहां पर, ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, दिस इज 2s, दिस इज 2p। अभी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के कहां डाल देगा, 2p वाले में, क्योंकि एनर्जी तो सेम हो चुकी है, इन्होंने अपनी एनर्जी का क्या कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया है, मिक्सिंग कर लिया है, हाइब्रिडाइज हो गए हैं सब। तो जब एनर्जी सेम लेवल पे आ गई तो यहां पर क्या होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, दिस इज इट्स एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब देखो जैसे मुझे सपोज करो BeCl2 बनाना है, तो 2 क्लोरीन आने वाले हैं, तो क्लोरीन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s में देगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन 2p में देगा। एक क्लोरीन यहां पर आया और एक क्लोरीन यहां पर आया, तो यहां पर क्या होगा, एक s का और एक p का दोनों मिक्स हुए, तो क्या बन गया, sp हाइब्रिडाइजेशन बन गया यहां पर, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन वाले केस में क्या हो रहा था, एक s और 3p मिल रहे थे, तो एक s और 3p मिलने से क्या बन गया था, sp3 बन गया था। जबकि इसमें क्या हो रहा है, बेरिलियम में एक s और एक p मिल रहे हैं, एक और s एक p मिल रहे हैं, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp बनेगी। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। एक तो इसका डेफिनेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है। उसके बाद ये कंसेप्ट आया था जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 sp3 sp3d sp3 d2 sp3 d3, इतने टाइप्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि व्हेन वन s ऑर्बिटल कंबाइन विद वन p ऑर्बिटल, देन sp हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। एक s का होगा और एक p का ऑर्बिटल, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके क्या बना लेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। और कैसे बनेगा इसका शेप, देखो ये रहा s का और p का कंबाइन किया इसके साथ, तो कुछ इस तरह से कंबाइन कर लेगा, और कंबाइन करके क्या हो गया, sp कॉम्बिनेशन हो गया। आपस में अपने आपको दोबारा से रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि क्या होगा, जब इन्होंने आपस में कंबाइन किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो भी आपस में रीअरेंज होगी। तो जब रीअरेंज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये अपने आपको कैसे अरेंज करेंगे, देखो मेरे पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ जाएंगे, एक s और एक p कंबाइन कर रहे हैं, तो जब एक s और एक p कंबाइन कर रहे हैं तो टोटल मेरे पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आएंगे, टोटल वी हैव 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, टोटल वी हैव 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जब 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, देखो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो ऐसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम एक तरफ होती है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, देखो एक तरफ है, गुब्बारा कहां फूला हुआ है, ऊपर ही फूला हुआ पूरा का पूरा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां पर, एक ही तरफ है, और नीचे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ना के बराबर है। तो ऐसे कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2 बनेंगे, क्यों, एक एस वाले का बनेगा एक पी वाले का बनेगा। जब मेरे पास ऐसे 2 ऑर्बिटल हैं, तो ऑर्बिटल्स जो हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो अपने आपको इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम फील हो। तो बताओ कि अगर मेरे पास ऐसे 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो वो अपने आपको कैसे अरेंज करें 3D प्लेन में कि वो रिपल्शन मिनिमम फील करें, यस इट इज 180 डिग्री। तो ये जो 2 sp ऑर्बिटल है, इनका जो शेप बनता है वो कैसा बनता है, और ये 2 छोटे वाले, तो दिस इज द शेप ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह का शेप होता है। और इनके बीच में जो एंगल है, एंगल कितना होता है, एंगल इज 180 डिग्री, ये जो एंगल है कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सिंपल सा है। व्हेन वन s ऑर्बिटल कंबाइन विद वन p ऑर्बिटल, देन sp हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। ऑर्बिटल्स में देखें तो ये s ऐसा होता है और p ऐसा होता है, दोनों कंबाइन किए तो ऐसा बन गया, और हाइब्रिडाइज देखेंगे इसका पूरा, तो हाइब्रिडाइज इस तरह का बन जाएगा शेप, ठीक है। दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल देखें, देखो एग्जांपल तो बहुत सारे आएंगे आगे, तो एक जस्ट सिंगल एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक BeCl2 इसका एग्जांपल हो जाएगा।
इसके अलावा जितने भी अल्काइंस हैं, सारे के सारे अल्काइंस इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे आगे, तो आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। जो BeCl2 है, जो कि sp हाइब्रिडाइज है, इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, बेरिलियम 1s2, 2s2 और 2p खाली पड़ा हुआ है इसका, ये इसकी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड में क्या होगा, जो s है अपना एक इलेक्ट्रॉन कहां निकाल के भेज देगा, p में भेज देगा, तो p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस इज 2s, दिस इज 2p। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर देके और अपना जो बॉन्ड है पूरा कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन उसने 2s वाला ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन उसने 2p वाला ले लिया। देखो, दो क्लोरीन आ रहे हैं यहां पर, BeCl2 बन रहा है, तो एक क्लोरीन ने 2s वाला इलेक्ट्रॉन को लिया, एक क्लोरीन ने 2p वाले इलेक्ट्रॉन को लिया, तो क्या बन गया, BeCl2। यहां पर एक s का यूज हुआ है और एक p का यूज हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। तो दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में व्हेन वन s ऑर्बिटल कंबाइन विद 2p ऑर्बिटल, ये रहा 1p और ये रहा दूसरा p ऑर्बिटल, तो व्हेन वन s ऑर्बिटल कंबाइन विद 2p ऑर्बिटल, देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगा, देखो, तो ये मेरे पास एक s है और ये 2p है, तो तीन लोग हाइब्रिडाइज होने वाले हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, हाँ तीन बनेंगे, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। टोटल कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ऐसा। तो अगर मेरे पास ऐसे टोटल 3 है, तो बताओ 3D प्लेन पे ये अपने आपको किस तरह से अरेंज करें कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो रिपल्शन मिनिमम फील हो, तो ये अपने आपको अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इस तरह से बनेगा। इस तरह से, ठीक है, दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर, और इनके बीच में जो एंगल है, एंगल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल के बीच में एंगल कितना होता है उनके साइड्स के बीच में, 120 डिग्री। तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल देखें अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, तो लाइक BeCl3 हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अल्किन्स हैं, अल्किन्स भी एग्जाम्पल हो जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। तीसरा देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल होगा और p के 3 ऑर्बिटल होंगे, एक s का और p के 3 ऑर्बिटल, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। देखो, टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल हैं 4, ठीक है, तो कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, 4। और ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपने आपको किस तरह से अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल की फॉर्म में अरेंज करेंगे। कुछ इस तरह से, तो ये टेट्राहेड्रल जो रेड वाला है, रेड वाला प्लेन के पीछे जा रहा है ये, ठीक है, जो ब्लू वाले हैं वो प्लेन पे हैं और जो रेड वाला है वो प्लेन के पीछे है। तो अगर मैं इनके बीच में एंगल देखूं, तो एंगल जो बनता है इनके बीच में बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है इनके बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसके एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल में सारे के सारे जो अल्केन्स हैं, सारे के सारे अल्केन्स जो होते हैं, दे आर sp3 हाइब्रिडाइज। इसके अलावा लाइक CCl4 हो जाएगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, और बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे इसके, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा जो और हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स होते हैं, लाइक sp3d, sp3d2, sp3d3, इनमें भी सिमिलर चलेगा, एक s का 3 p के 1 d का, इसमें एक s का 3 p के और 2 d के, इसमें एक s का 3 p के और 3 d के, तो इस तरह से कंबाइन हो के क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे। इसमें टोटल कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखें कि किसके हाइब्रिडाइजेशन में कितने कितने होंगे। देखो, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s का, 3 p का और 1 d का, तो टोटल कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इसमें, टोटल 5। इसमें देखो, एक s का, 3 p के और 2 d के, तो टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है इसमें 6 है, इसमें एक s का, 3 p के और 3 d के, तो टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं, 7। एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा होता है, तो 7 लोग इसमें हैं ऐसे, 6 लोग इसमें हैं और 5 इसमें हैं।
तो ऐसे टोटल हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं। ठीक है, अब एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे क्या क्या शेप होती है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको हम एक टेबल की फॉर्म में समराइज कर लेते हैं। अगर आप टेबल लर्न कर लेते हो तो जितना हाइब्रिडाइजेशन है वो सारा का सारा कंसेप्ट इस टेबल में ही है। एक तो डेफिनेशन है, बाकी सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो इस टेबल में है। तो ऐसे चार कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड इज हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम देखेंगे उसकी शेप और देखेंगे एंड में बॉन्ड एंगल कितना होता है उसमें। फर्स्ट वन इज, अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और शेप रहता है लीनियर। और लीनियर हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। और एंगल कितना होता है इसके बीच में, एंगल इज 180 डिग्री, एंगल इज 180 डिग्री। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास तीन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और शेप क्या होता है इसमें, ट्रायंगुलर प्लैनर, और वो इस तरह से बनता है, एक ट्रायंगल बना देना है बेसिकली। और यहां पर जो एंगल होगा, एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। थर्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर चार रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3 और इसमें जो शेप बनती है वो होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह से बनती है, जो डॉटेड है वो बैक साइड में जा रहा है। एंगल देखिए इसमें तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रहता है इसमें। फोर्थ में देखें, अगर हम अगर पांच इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और इस केस में जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब देखो बनती कैसे है ये, देखो तीन एंगल तो इसमें होंगे एक प्लेन पे और दो बनेंगे पिरामिड, लाइक ये एक, ये दो और ये तीन, तो ये तीन तो हैं एक प्लेन पे। ठीक है, और जो रेड वाले हैं ये हैं परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह की शेप है, तीन है एक प्लेन पे और ये दो हैं परपेंडिकुलर, ये तीन हैं एक प्लेन पे, और जो ग्रीन वाले हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, इस तरह की शेप बनेगी। बाकी जो 3D शेप है वो आपको स्क्रीन पे दिखी रही है, उससे आप थोड़ा इमेजिन करो, तीन एक प्लेन पे, ये एक प्लेन पे है, बाकी ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब देखो इसमें अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल यहां पर दो तरीकों से देखा जाएगा, एक तो देखा जाएगा जो ये प्लेन है, तो प्लेन जो है उनमें एंगल क्या होगा, देखो ये एक ही प्लेन पे है और एक ही प्लेन पे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितना होता है एंगल, तो इसमें जो एक प्लेन पे होते हैं इन्हें कहते हैं हम इक्विटोरियल बॉन्ड, जो एक ही प्लेन पे बॉन्ड होंगे उसे कहेंगे हम इक्विटोरियल बॉन्ड। और इक्विटोरियल बॉन्ड में जो एंगल होता है वो होता है 120, ट्रायंगल है कितना एंगल होगा 120 होगा। और ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये ग्रीन वाले होते हैं एक्सियल, ग्रीन वाले कौन से बॉन्ड होते हैं, दे आर एक्सियल, क्योंकि एक्सिस में है परपेंडिकुलर है, एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है इक्विटोरियल बॉन्ड, एक बनता है एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड में एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, इक्विटोरियल बॉन्ड में एंगल कितने का होता है 120 डिग्री का। तो दिस इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर दो देख लिए, तीन देख लिए, चार देख लिए, पांच देख लिए। नेक्स्ट, अगर मेरे पास छह इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो छह इलेक्ट्रॉन पेयर पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d2 और शेप जो होती है इसमें, शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, या इसका दूसरा नाम भी होता है दैट इज स्क्वायर बाईपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाईपिरामिडल। ठीक है, इसको बनाएं तो कैसे बनेगा, देखो पहली बात तो एक स्क्वायर बना लेना है, देखो ये है स्क्वायर और ये एक ही प्लेन पे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये एक प्लेन पे हैं। अब पिरामिड भी है तो इसके ऊपर भी एक होगा और नीचे भी होगा, तो ये है इसके पिरामिड, दिस इज स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप। अगर इसको हम एक लाइन फॉर्म में ड्रॉ कर लें तो ऐसे ये एक स्क्वायर हो गया और पिरामिड में ये दो पिरामिड हो गए।
इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज स्क्वायर बाइपिरामिडल, या इसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। अगर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d3, और sp3d3 पे जो शेप होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखो शेप होती कैसी है, तो सबसे पहले तो एक बना लो पेंटागोन, तो पेंटागोन इस तरह से बना लिया, थोड़ा सा डिफॉर्म सा बना है, कोई नहीं। तो यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितनी साइड्स हैं, 5। तो यहां पर 5 लोब्स तो एक प्लेन पे होंगे, ये 5 लोब तो एक प्लेन पे हैं, और 2 पिरामिड हैं, तो इस ये प्लेन है, ठीक है। लाइक जो आपका स्क्रीन है फोन, वो एक प्लेन है। अब सोचो कि एक बलून आपकी स्क्रीन के ऊपर जा रहा है और एक बलून आपकी स्क्रीन के नीचे जा रहा है, तो ये जो ग्रीन वाला है ये सपोज करो स्क्रीन के नीचे जा रहा है और एक बलून जो है वो स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, तो ये जो ग्रीन वाले हैं परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन के। आपका जो फोन है, जो रेड वाला है, सोचो आपके फोन पे पूरा प्लेन है, इसके अलावा जो ग्रीन वाला है वो एक फोन के ऊपर जा रहा है, एक फोन के नीचे जा रहा है, तो एक पिरामिड शेप सी बन गई। तो दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लाइन फॉर्म में ड्रॉ करें इसको, तो इस तरह से हो जाएगा, ये पेंटागोन हो गया एक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक AF7 है, ये हो गया एक मॉलिक्यूल है AB7, उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं इसमें। लाइक ये हो गया और ये सारे के सारे क्या हो गए, बी हो गए, और 2 परपेंडिकुलर हैं, तो एक यहां पर और एक यहां पर, तो इस तरह से बन जाता है ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो टोटल अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास sp sp2 sp3 sp3d, इसके अलावा sp3d2 और sp3d3, ये टोटल हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, शेप याद रखनी, लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लानर, एंगल याद रखना है। लीनियर में 180 होता है, ट्रायंगुलर प्लानर में 120 होता है, टेट्राहेड्रल में 109 एंड 28 मिनट्स होता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में, इक्वेटोरियल में 120, एक्सियल में 90, ऑक्टाहेड्रल में, या इसका दूसरा नाम जो होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है, इसमें देखो सारे जो एंगल होते हैं ऑल एंगल आर 90 डिग्री, चाहे वो इक्वेटोरियल हो चाहे वो एक्सियल हो, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं कितने डिग्री पे कट करते हैं, 90 पे कट करते हैं, तो 90 डिग्री इसमें एंगल है जो कि प्लेन पे हैं सारे के सारे, और 2 एक्सिस पे हैं, और एक्सिस पे 90 का एंगल होता ही है, तो सारे के सारे चाहे एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल हो, सभी में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। अगर हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल देखें, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में देखो टोटल एंगल कितना होगा, सर्कल का 360, और कितने में डिवाइड हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 में डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको। इसके अलावा जो परपेंडिकुलर ये वाले हैं एक्सियल में, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, और जो इक्वेटोरियल में एंगल हो जाएगा वो इसको डिवाइड कर लो, 7 बार में 35 और 2 बार में 10, तो एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री का। तो इक्वेटोरियल में एंगल कितना है 72 डिग्री का, और एक्सियल में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो ये टोटल हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है 6 तरह की, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, लाइन से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से याद हो जाएंगी। इसके अलावा इनकी शेप क्या होती है याद रखनी है, और इसमें एंगल कितने कितने बनते हैं याद रखने हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आएंगे ही, मेन तो इसमें वही है, ठीक है। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू हो गया, मेन जो आपको समझ आएगा वो तो एग्जांपल से ही समझ आएगा। देखो इसमें हमने एक टॉपिक ये जो देखा है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकाला कैसे जाता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो टॉपिक देख रहे हैं हम, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन पेयर, या इसको स्टेरिक नंबर भी कहते हैं, स्टेरिक नंबर। सबसे पहला स्टेप होता है काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट कर लो। दूसरा, इन केस ऑफ कटायन एंड अनायन, सब्ट्रैक्ट एंड एड इक्वल टू चार्ज रिस्पेक्टिवली। कटायन कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन के लॉस से, तो अगर कटायन को आया हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गया हुआ है तो उसमें से माइनस कर देंगे, अनायन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो उसमें हम कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा एकदम। थर्ड पॉइंट जो है रूल में, इफ द सम इज 8 और लेस देन 8 देन डिवाइड बाय 2,
टू गेट द स्टेरिक नंबर और वी कैन से इलेक्ट्रॉन पेयर. और फोर्थ, इफ सम इज मोर देन 8 देन डिवाइड बाय 8 टू गेट द स्टेरिक नंबर. ठीक है, सिंपल से चार पॉइंट है, ये याद रखने हैं आपको, टू गेट द स्टेरिक नंबर और इलेक्ट्रॉन पेयर. तो चार पॉइंट क्या है, पहला हमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको काउंट कर लेना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दूसरा, अगर कटायन है तो टोटल में से मुझे एक माइनस कर देना है, एनायन है तो टोटल में से एक प्लस कर देना है अगर उसके ऊपर चार्ज एक प्लस और एक माइनस है, या तो अगर दो प्लस है कटायन में तो टोटल सम में से दो माइनस कर देना है. अगर जो सम आता है फाइनली ये सब करने के बाद, अगर वो सम 8 और लेस देन 8 आता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो सम मोर देन 8 आता है तो 8 से डिवाइड करेंगे. इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. एक क्वेश्चन देखते हैं हम. पहला हमारे पास है PCl5 के लिए वी हैव टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप फाइंड करनी है. देखो फॉस्फोरस जो है उसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस 5 होते हैं. इसके अलावा क्लोरीन में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, 7 होते हैं, और कितने क्लोरीन है यहां पर, 5 हैं. तो टोटल इसका सम कितना हो जाएगा, 40. अब देखो नंबर जो है वो क्या है, नंबर इज मोर देन 8, तो मोर देन 8 में क्या करते हैं हम, 8 से डिवाइड करते हैं. तो जो 40 आया, 40 को डिवाइड करो 8 से, 8 5 जा 40 पूरा कट गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 5. अब जो आपको ऊपर टेबल बनवाई थी उसमें देखो 5 में क्या नंबर आ रहा है, मैं दिखा भी देता हूं आपको. देखो ये रहा 5, तो 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp3d, और शेप क्या है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो है sp3d, और जो शेप हो जाएगी वो इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से होगी, फॉस्फोरस 3 क्लोरीन यहां पर इक्वेटर पे और 2 क्लोरीन परपेंडिकुलर. तो ये हैं एक प्लेन पे और 2 हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, तो दिस इज PCl5. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. लाइक मेरे पास SF6 है, सल्फर में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, और फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, कितने फ्लोरीन है, 6. तो टोटल इसका सम कितना आ जाएगा, 48. जो टोटल सम आया वो कितने से, 8 से ज्यादा है, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48 पूरा कट गया, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 6. अब आप जो टेबल है उसका यूज करो, और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है बताओ आप. तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp3d2, और जो शेप हो जाएगा, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल. और इसको आप ड्रॉ कर लो, तो इस तरह से ड्रॉ कर लो, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि किस इलेक्ट्रॉन पेयर पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इजिली आप जो टेबल है उसका यूज करके आप इजिली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो. एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसे. इस बार हम एक अनायन ले लेते हैं, लाइक SO4 2- ले लेते हैं हम. देखो सल्फर में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6. ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, और कितने ऑक्सीजन है, 4. अब देखो ये अनायन है, इसके ऊपर कितना चार्ज आ रखा है, 2- का चार्ज आ रखा है. तो अनायन वाले केस में क्या देखा था हमने, कि जितना भी अनायन का चार्ज हो माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आ रखा है, तो उतने ही हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. 2- तो हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं तो 2 ऐड कर दिया. तो टोटल जो इसका सम है कितना हो जाएगा, 6 + 24 + 2. तो टोटल जो इसका सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 32. अब देखो नंबर जो है वो 8 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 × 4 = 32. इलेक्ट्रॉन पर कितना आ गया, 4. और 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, देखिए बताओ आप टेबल में से, sp3. और sp3 पे शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल. और इसको ड्रॉ करोगे यार अगर, तो दिस इज टेट्राहेड्रल शेप. ओके, ये एक इधर जैसे बनाया था और ये एक जा रहा है पीछे. ठीक है, तो ये आपका हो गया सल्फेट. तो इस तरह से हम इजिली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है. अब देखो एक बहुत ही आसान सा तरीका है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का, ये तो इसमें हमें स्टेरिक नंबर निकालना पड़ा. एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड.
तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करके भी आप आसानी से बता सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो दूसरा तरीका टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इज बाय काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके आप आसानी से बता सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी उसमें। अगर दो सिग्मा होते हैं तो एसपी, तीन सिग्मा होते हैं तो एसपी टू, चार सिग्मा होते हैं तो एसपी थ्री, पांच सिग्मा होते हैं एसपी थ्री डी, छह सिग्मा होते हैं एसपी थ्री डी टू, और सात सिग्मा होते हैं तो एसपी थ्री डी थ्री। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक पहला है बीईसीएल टू, तो बेरिलियम, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। देखो सिग्मा एक यहां पर है और एक यहां पर है, कितने सिग्मा, दो सिग्मा, दो सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या, एसपी। ठीक है, सिग्मा और पाई, इसमें जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन किया हुआ सिग्मा पाई। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कैसे टोटल फाइंड करते हैं, पाई बॉन्ड कैसे काउंट किए जाते हैं, सब उसमें बता रखा है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक मेरे पास बीसीएल थ्री है, दिस इज बोरोन, कितने बॉन्ड बना रहा है, तीन, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, यहां पर दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, एसपी टू। ठीक है, सिंपल सा इस तरह से सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बता सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक सीसीएल फोर है मेरे पास कार्बन, और चार इस पे क्लोरीन अटैच है, काउंट करो सिग्मा, वन टू थ्री फोर, फोर पे क्या होगा, एसपी थ्री। लाइक पीसीएल फाइव का देखना है मुझे, फॉस्फोरस में कितने हैं, पांच क्लोरीन अटैच है, तो सिग्मा काउंट करो इसके, वन टू थ्री फोर फाइव, तो पांच पे क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, पांच सिग्मा पे एसपी थ्री डी। आई एफ सेवन देखते हैं। तो आई एफ सेवन जो है, देखो इसमें दोनों तरीका हम अप्लाई कर लेते हैं, एक निकालेंगे हम बाय काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड और दूसरा निकालेंगे हम बाय स्टेरिक नंबर, इलेक्ट्रॉन पेयर करके निकालेंगे हम इसमें। देखो आई एफ सेवन, आयोडीन है, कितने फ्लोरीन अटैच है इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सात फ्लोरीन अटैच है इस पे, काउंट कर लो इसके सिग्मा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और सेवन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एसपी थ्री डी थ्री, तो यह इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो स्ट्रेट नंबर से निकाल लें, तो स्ट्रेट नंबर में आई एफ सेवन, आयोडीन में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, सेवन, और फ्लोरीन में भी आउटर मोस्ट में सेवन ही होते हैं, कितने फ्लोरीन है यहां पर, सेवन, क्योंकि सारे के सारे क्या है, हैलोजन के ही मेंबर्स हैं, तो हैलोजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां से टोटल अगर काउंट करोगे तो आ जाएगा 56। अब जो नंबर है ये 8 से ज्यादा है, तो 8 से डिवाइड करो, तो 8 7 जा 56 पूरा कट गया, इलेक्ट्रॉन पे कितना आया, सात आया, और सात इलेक्ट्रॉन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आपने टेबल जो बनाई है आपने, आप देख के बताओ, एसपी थ्री डी थ्री। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड की क्या है। ठीक है, जो बच्चे 11th क्लास में है उनके लिए हाइब्रिडाइजेशन जो है जो स्कूल एग्जाम में लिखेंगे वो इस टाइप को फॉलो कर सकते हैं, और यही टाइप उनको लिखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसको इस तरीके से करना है, तो वो तरीका हम देख लेते हैं। लाइक मेरे पास अगर पीसीएल फाइव है और स्कूल एग्जाम में सपोज करो जो क्वेश्चन आया है उसमें फाइंड करना है उनकी हाइब्रिडाइजेशन शेप, ये सब फाइंड करनी है। देखो फॉस्फोरस जो है इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, दिस इज फॉस्फोरस। इसका जो 3d है वो खाली पड़ा हुआ है फॉस्फोरस का, ठीक है, थर्ड में d स्टार्ट हो जाता है ना, तो इसका जो 3d है वो खाली पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट देखूं तो ग्राउंड स्टेट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3s में दो इलेक्ट्रॉन, 3p में, और 3d पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चलाएगा, d के पास चलाएगा, और यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइनली फिर आ जाएगी वो इस तरह की आ जाएगी, ये सभी के पास क्या हो गया, जितने भी ऑर्बिटल्स थे उन सभी के पास क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, एस पी और डी सभी के पास क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यह है क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो क्लोरीन को जो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना पूरा ऑर्बिटल फिल करने के लिए, तो वो एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा, तो एक उसने एस से उठाया, एक पी से उठाया, फिर पी से, और एक डी से उठाया, तो पांच क्लोरीन आने वाले हैं। पांचों क्लोरीन ने क्या किया, पांचों क्लोरीन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं,
एक एस का यूज हुआ है, तीन पी के यूज हुए हैं और एक डी का यूज हुआ है। एक एस का यूज हुआ है, तीन पी के यूज हुए हैं और एक ऑर्बिटल डी का यूज हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? sp3d। और sp3d पे शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दिस इज द शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इस तरह से स्कूल एग्जाम में आपको करना है। अब देखो पीसेल 5 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है। अगर पहले इसका मैं डायग्राम बना लेता हूं या इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास पीसेल 5 है, ये तीन जो क्लोरीन है, ये तीन क्लोरीन है एक प्लेन पे, और ये येलो वाले हैं ये हैं एक्सियल प्लेन पे। अब देखो होता क्या है कि सारे जो बॉन्ड हैं, सारे बॉन्ड फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में ही हैं, सारे बॉन्ड फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में हैं। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, जितने बड़े ये बॉन्ड होने चाहिए, क्या वो सेम सेम होगी? देखो सारे फास्फोरस क्लोरीन के बीच में, तो सारे की जो बॉन्ड वो क्या होनी चाहिए? सेम सेम होनी चाहिए। और इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि फास्फोरस क्लोरीन के बीच में सारे क्लोरीन एक जैसे हैं और सभी फास्फोरस से बॉन्ड फॉर्म करें, तो सभी की जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, सब सेम होनी चाहिए। मगर यहां पर जो खेल आता है वो खेल आता है रिपल्शन का। देखो होगा क्या कि जो एक्सियल बॉन्ड है ये तीन, ये क्या करेंगे, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये तीन, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये तीन, ये क्या करेंगे, इस एक्सियल बॉन्ड को धक्का देंगे। तो ये धक्का देंगे, ऊपर से भी धक्का देंगे और नीचे से भी धक्का देंगे, परपेंडिकुलर है ना उनके ये, तो उनको धक्का देंगे। तो धक्का देंगे तो क्या होगा, ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, स्लैटली लॉन्ग हो जाएगा। दिस एक्सियल बॉन्ड बिकम स्लैटली लॉन्गर। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिख दूं, ड्यू टू रिपल्शन बाय द इक्वेटोरियल बॉन्ड द एक्सियल बॉन्ड बिकम स्लैटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो ये एक्सियल बॉन्ड है इनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटोरियल बॉन्ड उसको धक्का दे रहे हैं, तो रिपल्शन की वजह से ये स्लैटली लॉन्गर हो जाते हैं। और जब कोई बॉन्ड बड़ा हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, जितना बड़ा लकड़ी उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, जितना छोटा लकड़ी वो टूटेगा ही नहीं। तो जब ये एक्सियल बॉन्ड बड़े हो गए तो क्या हो जाते हैं, ये वीक हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड इन पीसेल 5। तो अगर मैं पीसेल 5 को गर्म करता हूं, पीसेल 5 इज वेन हीटेड, तो क्या होता है कि इनके जो दो इक्वेटोरियल बॉन्ड, दो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो छोड़ के निकल लेते हैं इसको। ये जो दो बॉन्ड थे ये वाले, ये दो क्लोरीन, ये इसको छोड़ के निकल जाते हैं। क्यों? इनका जो बॉन्ड था बड़ा था, ये बहुत ही लेस अट्रैक्शन फील कर रहे थे फॉस्फरस के साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा सा हीट मिला ये तोड़ के निकल लिए। दिस इज अबाउट द एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। और एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं दे आर स्लैटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, और क्यों होते हैं उसका रीजन हमने यहां पर देख लिया। तो अगर स्कूल एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से अटेंड करना है, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर करके स्कूल एग्जाम में आ जाया करता है। ठीक है, कि जो पीसेल 5 है, पीसेल 5 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसके अलावा वाई द एक्सियल बॉन्ड इज स्लैटली लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसका रीजन लिखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेंड करना है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पीसेल 5 जो है क्या ये आयनिक है या कोवेलेंट है, तो आप बोलोगे कैसा सवाल है ये, कौन सी बात है, क्या हम पढ़ क्या रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो पीसेल 5 इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। तो अगर पीसेल 5 कोवेलेंट कंपाउंड है तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए इसको सॉलिड स्टेट में? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मगर जो पीसेल 5 है इट इज कंडक्टिव इन सॉलिड स्टेट। जो पीसेल 5 है वो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कंडक्शन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्यों करता है, इसका रीजन हम देखेंगे कि जो पीसेल 5 है इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट एज दिस फॉर्म, पीसीएल 6 माइनस एंड पीसीएल 4 प्लस, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पीसीएल 5। तो क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो पीसीएल 5 है ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देखो प्लस माइनस चार्ज आ रखा है इसके ऊपर, तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, ये कंडक्टिव भी होता है। तो इसीलिए जो पीसीएल 5 है वो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कंडक्टिव होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, SF6, तो सल्फर इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, और इसका 3d खाली पड़ा हुआ है। तो अगर मैं सल्फर की ग्राउंड स्टेट देखूं, तो ग्राउंड स्टेट में देखो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, और 3d पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। दिस इज 3s, 3p, दिस इज 3d। तो अगर मैं इसकी एक्साइटेड देखूं,
तो एक्साइटेड स्टेट में देखो क्या होगा कि जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है वो कूद के डी में चला जाएगा और जो पी वाला इलेक्ट्रॉन है वो कूद के डी में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, एस में एक इलेक्ट्रॉन, पी में भी सब सिंगल इलेक्ट्रॉन और डी में भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो 3s 3p 3d सभी में क्या आ गए, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p 5 नौ नंबर होता है इसका। तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना पूरा का पूरा पेट भरने के लिए, तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट करेगा और कहां से लेगा, एक ये वाला लेगा, ये और ये। तो टोटल उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, एक एस का इलेक्ट्रॉन लिया, 3 पी के इलेक्ट्रॉन लिए और 2 डी के इलेक्ट्रॉन लिए। तो ये वाले ऑर्बिटल्स कहां गए, हाइब्रिडाइजेशन में गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 और sp3d2 पे शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल या आप बोल सकते हो इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। इसकी शेप बनाओगे आप सल्फर, ये रहे इसके 4 फ्लोरीन जो कि एक ही प्लेन पे हैं और ये रहे 2 परपेंडिकुलर। तो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल शेप, ऐसा सिक्का शेप ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज द एक्सेप्शन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये एक्सेप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, मगर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको ब्रीफ पढ़ देता हूं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। तो पहली बात तो वीबीटी फेल क्यों हुआ था, ये देखा हमने कि फेलियर ऑफ वीबीटी, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता था मगर वीबीटी के अकॉर्डिंग उसको 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए था, इसलिए वो फेल हो गया। इसके अलावा बेरिलियम वाला देखा था हमने, बेरिलियम को बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए वीबीटी के अकॉर्डिंग मगर बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए जो डिफाइन करने के लिए टर्म आया इसको वो हाइब्रिडाइजेशन आया। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सेविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल कंबाइन करके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बना लेते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स देखे थे, यहां पर जो टेबल है ये टेबल याद करनी है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, इतने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करना। तो एग्जांपल देखे थे हाइब्रिडाइजेशन में pcl5 sf6, ठीक है, इसके अलावा pcl5 sf6 को हमने थोड़ा डिटेल में भी देखा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आप इन सबके नोट्स बना लेना, बिना नोट्स बनाए आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो आप नोट्स बना के इसको दोबारा से पढ़ो, कोई अगर आपका क्वेश्चन हो कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहो।